चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर। धर्म स्नेही बंधुओं, सामान्य सा नियम अनंतानुबंधी की चार कषाय मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति के जाने पर चौथा गुण स्थान प्राप्त हो गया। अब एक सीढ़ी और आगे बढ़ना है, पांचवें गुण स्थान में जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को पता है? पता है आपको कि पांचवें गुण स्थान में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्रतिमा लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? प्रतिमा लेनी पड़ेगी। कितनी प्रतिमा लेनी पड़ेगी? कम से कम, कम से कम दो प्रतिमा लेनी पड़ेगी। कितनी प्रतिमा? दो प्रतिमा। तो यहाँ बैठे हुए में कोई है जिसने दो प्रतिमा अभी तक ली हो? एक बार जो प्रतिमा शब्द को नहीं जानता था तो उनसे पूछा, भाई साहब प्रतिमा आपकी कितनी है? बोले पांच। लग नहीं रहे थे मुझे, मैंने कहा पांच प्रतिमा? बोले एक मैंने जहाजपुर विराजमान करवाई, एक मैंने वहाँ विराजमान करवाई, एक मैंने वहाँ विराजमान करवाई, ऐसे मैंने पांच प्रतिमाएं ली है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो प्रतिमा भगवान की है, लेकिन यहाँ जो प्रतिमा है वो भगवान बनने के लिए है। इस प्रतिमा का मतलब है कि कुछ गुणों का एक बना दिया कि जितने गुण हैं इतने में एक प्रतिमा, इतने गुण और बढ़ाओगे तो दो प्रतिमा, इतने नियम और लोगोगे तो तीन प्रतिमा, इतने गुण और आ जाएंगे तो चार प्रतिमा, इतने और आ जाएंगे तो पांच प्रतिमा। इस तरह से जो गुणों का समूह कुछ कुछ है तो वो प्रतिमा कहलाता है यहाँ पर। यानी जैसे दो प्रतिमा है तो दो प्रतिमा का मतलब है कि बारह व्रतों का पालन। क्या आ गया इसमें? बारह व्रतों का पालन, पांच अणुव्रत, तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत, आपकी दो प्रतिमा हो गई। अब इन दो प्रतिमाओं में आपका पांचवा गुण स्थान आ जाएगा, लेकिन इन दो प्रतिमाओं का पालन होना जरूरी है। पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। कौन सी? व्रत। इसमें व्रत लेने हैं, अणु व्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत। व्रत किसे कहते हैं आपको मालूम है? अरे बोलिए ना, व्रत किसे कहते हैं? रमोकार मंत्र के व्रत, भक्तांबर के व्रत करते हैं ना आप लोग, यही तो व्रत कहलाते हैं। लेकिन तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा होगा, हिंसा नृतस्तया ब्रह्म परिग्रह विरति विरतम। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरक्त होता है उसको व्रत कहते हैं। विरक्त होता है, एक तो है कि आपने आलू का त्याग कर दिया। भाई क्यों कर दिया? महाराज ने कहा है इसलिए आलू का त्याग। एक भाई आए बोले हमारे 40 साल से आलू का त्याग है। भाई तुम तो बहुत धर्मात्मा हो। अरे नहीं नहीं, धर्मात्मा वाली कोई बात नहीं है, आपने 40 साल से आलू त्याग किया तो आप धर्मात्मा हो, तभी तो त्याग किया। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। बोले बात कैसी है? बोले एक महाराज जी के चक्कर में फंस गए थे। क्या बोले? एक महाराज जी के चक्कर में फंस गए थे इसलिए त्याग कर दिया था। बाकी धर्मात्मा वाली कोई बात नहीं है। क्या? दो तरह से त्याग होता है, एक होता है मन से त्याग, अंदर से त्याग, आत्मा से त्याग, भावों से त्याग, कि मैंने ये चीज छोड़नी है, बहुत हो गया, बहुत आलू खा लिए, बहुत प्याज खा ली,
बहुत पाप कर लिए, बहुत जीवों की हिंसा कर ली, अब नहीं हो सकती मेरे से, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ। और एक इस तरह से त्याग करना और एक किसी के कहने पर त्याग करना, तो जो त्याग भावों से होता है उसका नाम है व्रत। विरत होकर जो त्याग होता है वो व्रत। आप व्रत लेते हो नमोकार मंत्र के व्रत, तो आपके मन में त्याग की भावना आई कि बहुत जिंदगी में खाना खाना लगा रहता है, कब तक खाते रहेंगे, चलो कुछ व्रत कर लेते हैं। खाने से विरक्त हुए तो व्रत किए, जो खाने से विरक्त नहीं होता वो व्रत भी नहीं कर सकता है। जिसको खाना बहुत पसंद है, कुछ लोग होते ऐसा लगता है वो खाने के लिए जी रहे हैं, दिन में खाते हैं, रात को खाते हैं, सोते सोते खाते हैं, सो के उठ के खाते हैं, बस खाना ही खाना उनके जीवन में लगा रहता, ये बना के खा लो, वो बना के खा लो, होटल में जाके खा लो, उस होटल का खा लो, कचौड़ी मंगा के खा लो, वहाँ की मिश्री मावा खा लो, वहाँ का ये खा लो, बस वो कहीं जाएंगे, तीर्थ स्थान पे भी जाएंगे तो मंदिर तो बाद में जाएंगे, वहाँ जाकर ये पूछेंगे यहाँ यहाँ का क्या फेमस है, यहाँ खाने का क्या बढ़िया है। वो लोग खाने खाने में लगे रहते हैं, और जो खाने खाने में लगे रहते हैं वो व्रत कर ही नहीं सकते। विरक्त होना व्रत है, विरक्त होना व्रत है। मन में एक भावना आए, पशु गति में थे वहाँ भी खाया, देव गति में अमृत पिया, जब अमृत पीने से प्यास नहीं बुझी खाने की, तो ये खाना कौन सी बड़ी बात है। अमृत क्या होता है, इन सब चीज़ों से बहुत ऊंचा होता है। जब अमृत ही हमें तृप्त नहीं कर पाया, तो ये सामान्य सा भोजन तो अभी खाया, घंटे भर बाद फिर शुरू हो गए, फिर घंटे भर बाद खाया, फिर घंटे भर बाद फिर शुरू हो गए, फिर शाम को खाया, फिर शुरू हो गए रात में, फिर रात को खा के सोए, सुबह फिर शुरू हो गए। भैया तो एक गड्ढा है, डालते रहो, बीच में जीभ आ गई है तो स्वाद लेते रहते हो, बीच में जीभ आ गई है तो स्वाद का चक्कर फंस गया, ये नहीं ये बढ़िया है, ये नहीं ये अच्छा है। तो विरक्त होना व्रत है। दो प्रतिमा में विरक्ति आ जाती है, वैराग आ जाता है, संसार शरीर भोगों से उदासी आ जाती है, आत्मा के कल्याण की बात शुरू हो जाती है, संयम आ जाता है। कितना संयम आता है, एक देश संयम आता है, एक देश संयम, एक होता है सकल संयम और एक होता है एक देश संयम। एक देश का मतलब है थोड़ा, अणु व्रत। क्या ले रहे हैं, अणु व्रत। अणु का मतलब, अणु का मतलब अणु बम, नाम क्या है अणु बम, और बहुत सारे स्थान को नष्ट कर देता है, कहीं गिर जाए तो वहाँ लाखों लोगों को खत्म कर देता, नाम क्या है अणु बम। कहने को छोटा है लेकिन नष्ट ज़्यादा कर रहा है, अणु व्रत। कहने को छोटे हैं मगर बहुत सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अभी तक तो चौथे गुण स्थान तक पाप का त्याग नहीं था, चौथे गुण स्थान तक पापों का त्याग नहीं था, लेकिन पांचवें गुण स्थान में हिंसा नृतस्तया ब्रह्म परिग्रहो वीरते वीरतम, पांचों पापों के एक देश त्याग की बात आ गई। हिंसा अनुरूप में आ गई, सत्य अनुरूप में आ गया, आचौर्य अनुरूप में आ गया, ब्रह्मचर्य अनुरूप में आ गया और परिग्रह अनुरूप में आ गया। अभी तक क्या था, कोई सीमा ही नहीं थी, कोई ब्रेक नहीं था, कोई बाड़ नहीं थी, अब बाड़ लगा दी। कितना परिग्रह, जितना मुझे चाहिए है उतना अपने नाम से रख लूंगा, बाकी का त्याग कर दूंगा। इस व्रत में ऐसी भावना आ गई। हिंसा कैसे, हिंसा को सीमित कैसे करोगे, तो पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला बड़ी सुंदर लिखी है, बिल्कुल थोड़े शब्दों में, और व्रतों का वर्णन
इतने अच्छे से किया है कि पढ़कर के आनंद आ जाता है। त्रस हिंसा का त्याग वृथा थावर न संगारे। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, इन जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया, लेकिन एक इंद्री है, वृथा थावर न संगारे, व्यर्थ में एक इंद्री की हिंसा भी नहीं करेंगे। दो इंद्री की तो छोड़ी दी, दो तीन चार पांच की तो छोड़ी दी, लेकिन एक इंद्री की भी हिंसा व्यर्थ में नहीं करेंगे। व्यर्थ में पंखा नहीं चलाएंगे, व्यर्थ में अग्नि नहीं जलाएंगे, व्यर्थ में जमीन नहीं खोदेंगे, व्यर्थ में जो हरी आदि होती है उसका का यूज नहीं करेंगे, जितनी जरूरत है उतना कर लेंगे। तरह से हिंसा को त्याग प्रथा थावर न सगारे, परवध कार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। ये सत्तणुव्रत आ गया। परवध, दूसरों को मारने वाले वचन, परवध कार कठोर, कठोर वचन, निंद, निंदा के वचन, परवध कार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। वयन यानी वचन, वचनों को नहीं बोलेंगे ऐसे जिससे हिंसा हो जाए, जिससे लड़ाई झगड़े हो जाए, जिससे दूसरे का अपमान हो जाए, ऐसे वचन बोलने का त्याग कर दिया। वचनों में संयम आ गया, वचन सीमित हो गए, वचनों में समिति आ गई। और लड़ाई किस लिए होती है आजकल संसार में ज्यादा? किसकी वजह से होती है लड़ाई? अरे बोलिए ना, धन की वजह से कम होती है, खाने की वजह से कम होती है। यदि धन की वजह से हो तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है, ना खाने की, ना पहनने की, ना ओढ़ने की, फिर भी नहीं बन रही आपस में। भाई कारण क्या है? बोलने का। एक दूसरे को सम्मान नहीं दे सकते, एक दूसरे को अपमान के वचन बोलते हैं, एक दूसरे से कठोर बोलते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले वचन बोलते हैं, एक दूसरे को दबाने वाले वचन बोलते हैं। ना धन की कमी है, ना खाने की कमी है, ना पहनने की कमी है, कोई कमी नहीं है घर में। घर में ज़्यादा लोग भी नहीं है, हो सकता अकेले पति पत्नी हो, फिर भी सुखी नहीं है। कारण क्या है? भाषा समिति नहीं है। क्या नहीं है? भाषा समिति नहीं है। तू तड़ाक करके बोलते हैं, एक दूसरे पर दिन भर चढ़े रहते हैं, एक दूसरे को दिन भर क्रोध करते रहते हैं, एक दूसरे का अपमान का वचन बोलते रहते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते रहते। तूने ऐसा किया था उस दिन, तुमने ऐसा किया था उस दिन, तुमने ऐसा किया था, एक दूसरे की दिन भर कमियां निकालते रहते हैं। और यही कारण लड़ाई के बन जाते हैं। घर में सब कुछ होने के बाद भी सुख शांति नहीं होती है। धन कमाया बेकार हो गया है, ज्वेलरी कमाई वो भी बेकार हो गई, अच्छे कपड़े वो भी बेकार हो गए। क्यों? केवल वाणी के कारण से। और अणुव्रत में क्या कहा? परवध कार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। दूसरों को दुखी करने वाले वचन, कठोर वचन, अपमान के वचन, निंदा के वचन, इन सब का त्याग कर दिया। दूसरे को दुख देने का त्याग हो गया। क्या हो गया? दूसरों को दुख देने का त्याग हो गया। और जब दुखी करना छोड़ दिया तो हिंसा भी छूट गई और सत्य वचन, सत्य अणुव्रत भी आ गया। हाँ, अभी इतनी छूट है, जैसे छोटा बच्चा है, घर में लड्डू रखे हैं, उसने चार लड्डू खा लिए, बच्चा फिर भी मांग रहा है मम्मी लड्डू दो ना। अब मम्मी को पता है यदि इसको अभी लड्डू देती हूँ तो इसका पेट अभी खराब हो जाएगा, अभी मार हो जाएगा। और बच्चे को मना करोगे तो वो मानेगा नहीं, तो मम्मी क्या कहेगी? बेटा लड्डू तो ख़त्म हो गए, और बनाएंगे ना तेरे लिए, तब तुझे लड्डू खाने को देंगे। अभी लड्डू तो, लड्डू घर में रखे हैं, झूठ तो बोला, लेकिन इस झूठ में किसी की बुराई नहीं है, लड़ाई नहीं है, अपमान नहीं है, इस झूठ में अहित नहीं है, इस झूठ में हिंसा नहीं है, इतनी छूट है। क्या इतनी छूट है? अभी घर में सामान, घी रखा है डब्बे में, घी रखा है डब्बे में, घंटी शुरू हो गई, देखो जी घी खत्म हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता?
घी खत्म हो गया, घी ले आओ, अभी रोटी में घी आ रहा है लेकिन घी खत्म हो गया, अभी घी थोड़ा और रखा है, एक बार घंटी बजी, दूसरी बार उन्हें भी पता है अभी तो रखा है, फिर तीसरी घंटी तो थाली में आ जाती है, रोटी बिना घी की, घी लाओगे तो खाने मिलेगा, नहीं लाओगे तो अभी अभी भी रखा है, लेकिन उसमें किसी का अहित नहीं है, किसी की बुराई नहीं है, कोई अचानक आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, घर में बिल्कुल घी खत्म हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसमें किसी की बुराई नहीं है, हिंसा नहीं है, कलेश नहीं है, तो इतनी झूठ की छूट है। अब दुकान में है, रिश्तेदार आया, भाई कपड़ा दिखा, कपड़ा दिखाया, देख तेरा रिश्तेदार हूँ, मुझे मत लूटना, जितने का है उतने में दे दे। अब लाए तो थे 80 रुपये मीटर, अब रिश्तेदार से भी क्या कमाएंगे नहीं, तो बेचारा खाएगा कहाँ से, अब यहाँ सत्य का पालन कर लिया तो उसकी तो दुकान ही खत्म हो जाएगी, तो अब वो क्या कहेगा, देख भाई 100 रुपये मीटर का है, 100 रुपये मीटर में लाया हूँ तो 100 में ले ले, लाया कितने में था, अरे बोलिए ना 80 में है, इसमें किसी का बुरा नहीं है, इसमें किसी का अहित नहीं है, इतनी झूठ की छूट है। व्यापार बिना झूठ के चल ही नहीं सकता, नहीं चल सकता व्यापार, व्यापार में झूठ ना बोलो तो व्यापार ही खत्म हो जाए। तो इतनी झूठ की जिसमें किसी का बुरा ना हो, किसी का अहित ना हो, किसी की हिंसा ना हो, किसी की निंदा ना हो, इतनी झूठ की छूट है। और आपका सत्य अनुव्रत भी आ गया और आपका काम भी चल गया, आचार्य अनुव्रत, आचार्य अनुव्रत में चोरी का त्याग, अब चोरी घर में रहकर पूरा त्याग तो कर नहीं सकते हो, अब घर की महिलाएं, ऐसा हो नहीं सकता है कि पुरुषों के जेब से, अरे बोलिए ना है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठी करते रहते, कभी 10 निकाल लिए, कभी 50 का निकाल लिया, कभी 100 का निकाल लिया, जैसी गड्डी रहती है उसके अनुसार निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है, और क्या करते हैं फिर कर करके इकट्ठे कर लेते हैं, फिर बेटी आई ले तू ले जा, पोता आया ले तू ले जा है, और जब कभी घर में कोई ज़रूरत पड़ती है, कभी घाटा पड़ जाए, कभी कुछ हो जाए, तो पति को भी पता रखे होंगे इसके पास में, निकाल के देना, नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, अरे कुछ नहीं तू निकाल के दे बाद में ले लेना मेरे से, नहीं मेरे पास तो है ही नहीं है, अरे तू दे दे अभी दे दे बाद में ले लेना, बहुत ज़रूरत है मुझे, अच्छा लो ये लो, आ गए निकल के, कहाँ से इकट्ठे किए थे, इतनी चोरी तो की है तुमने, चोरी तो की है लेकिन किसी दूसरे की नहीं की है, इस पर तुम्हारा अधिकार था इसलिए तुमने की है, वरना तुम चोरी करने वाले नहीं थे। लेकिन इसमें दौलत राम जी क्या कहते, जलमृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, जलमृतिका जल और मिट्टी के अलावा किसी भी चीज को बिना पूछे नहीं ले सकते हैं, घर के अलावा, तुम्हारे घर के अलावा जो दूसरों की चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को बिना पूछे नहीं ले सकते हैं, ये आचार्य अनुव्रत है। और घर की कहानी मैंने सुना दी, लेकिन आप अपने बच्चों के सामने मत करना, नहीं तो बच्चे तुमसे ज़्यादा होशियार हैं, वो कहे वो तुमने तो उनकी जेब से निकाला, वो तुम्हारे पर्स से निकाल लेंगे, और कहेंगे अपने माता जी ने तो छूट दी है। बच्चों के सामने मत करना, बच्चों को गलत आदत पड़ जाएगी, तुमने तो हित में करी है लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है कि हित क्या है और अहित क्या है, हित अहित उन्हें पहले समझाना जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत में अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी जितनी माता बहन बेटी हैं उनको माँ बहन बेटी के समान मानना ब्रह्मचर्य अनुव्रत हो गया, और जितनी जिसके भी शादी हो गई तो पति के सिवा बाकी सभी पुरुषों को भाई बेटा और पिता के समान मानना ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत हो गया। और परिग्रह परमाणु व्रत, इसमें परिग्रह में
सीमा बना ली, परिमाण बना लिया कि जितनी मुझे जरूरत है, एक मकान की, दो मकान की, उतने अपने नाम से रख लिए, बाकी का त्याग कर दिया। जितनी गाड़ी की जरूरत है उतनी अपने नाम से रख ली, बाकी का त्याग कर दिया। जितने सोने की जरूरत है उतना अपने नाम से रख लिया, बाकी का त्याग कर दिया। जितने कपड़ों की जरूरत है उससे 50 और ज्यादा रख लो, और बाकी का त्याग कर दिया। ये परिग्रह परमाणु व्रत हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? पाप और कषाय, कषाय हो तो पाप होता है, और पाप को छोड़ो तो कषाय भी कम होती है। पाप को छोड़ो, आपने हिंसा करना छोड़ दी, जीवों को मारना छोड़ दिया, तो अंदर में दया पैदा होगी नहीं होगी? अंदर में भावना कोमल होगी नहीं होगी? नहीं नहीं, इसको नहीं मारना, जीव है, इसको कष्ट होगा, ऐसी मन में भावना आएगी। या तो तब आप पाप करना छोड़ोगे, या पाप छोड़ोगे तो अंदर में दया आएगी। ये दोनों का कनेक्शन है। तो यहां पर कषाय के साथ साथ अब पापों को भी छुड़ाया जा रहा है। यहां तो आपने अनंतानुबंधी कषाय छोड़ी थी, पांचवें गुण स्थान में आपकी अप्रत्याख्यान कषाय भी छूट जाएगी। जब अप्रत्याख्यान कषाय छूटेगी तो आपके व्रत आने शुरू हो जाएंगे, और जब तक आपकी अप्रत्याख्यान कषाय कम नहीं होगी तब तक आप व्रत नहीं ले सकते। भाव नहीं बनेंगे प्रतिमा लेने की, इच्छा ही नहीं होगी त्याग करने की। जब तक कषायों का जोर है तब तक पाप भी छोड़ने वाले नहीं हो। ना रात्रि भोजन छोड़ोगे, ना बाजार का छोड़ोगे। अब बाजार का छोड़ने के लिए क्यों कहती हूँ मैं? पहली बात तो बाजार का शुद्ध नहीं होता है, ना जाने कितने दिन पहले का आटा है। अब जैसे गेहूँ पीसते हैं, अब घर में जो गेहूँ पीसता है तो क्या करता है, एक बार छानता है, देखता है कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई कीड़ी तो नहीं है, हैं? चावल भी बनाता है तो एक बार छान के बनाता है, कोई इसमें जीव जंतु तो नहीं है, है ना? बाजार के खाने में क्या होता है? तुम्हारे लिए छान के आटा पीसेंगे क्या कि गेहूं को पहले छान लेते, कोई जीव जंतु तो नहीं, फिर आटा पीसे, ऐसे करके पीसेंगे क्या? उनको उनको इस बात से मतलब नहीं है, उन्हें तो केवल आटा चाहिए। गेहूं को छानने पीसने का, कहीं धोने का कोई मामला वहां नहीं होता है। और उसके बाद वो जो गेहूं रखा है या जो आटा रखा है वो कितने दिन पुराना है, उसमें कितने जीव जंतु पैदा हो गए हैं, बनने के बाद थोड़ी पता चलेगा। तो बंधुओं, मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई ना? चलो बहुत अच्छे लोग, आपको बात समझ में आ गई। और आपने सबसे बड़ी बात समझ में आई तो आपने 20 दिन का त्याग कर दिया। हम पॉजिटिव देखें ना, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, हम आधा भरा हुआ देखें ना, आधा खाली क्यों देखें? आपने 20 दिन का त्याग किया, ये आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। आज बहुत बड़ा काम कर लिया। यही छोटा सा त्याग, यही छोटा सा त्याग आपको एक दिन मोक्ष भी पहुंचा सकता है। तो संयम जीवन में बहुत जरूरी है। संयम का पालन वो ही कर सकता है जो अपनी आत्मा से प्यार करता है, जो आत्मा का भला चाहता है, जो दुख से डरता है, जो पापों से बचता है, वो ही संयम का पालन करता है। और जिसे दुख से डर नहीं है, पापों से भय नहीं है, संसार में ही रहना चाहता है, सुख नहीं पाना चाहता है, वो संयम का पालन कर ही नहीं सकता है। वो तो कहेगा खाओ पियो मस्त रहो, जो मिल जाए सो सब खा लो, उसको कहीं कोई वो नहीं रहेगा परहेज। तो परहेज जीवन में जरूरी है, चाहे शरीर के लिए हो और चाहे आत्मा के लिए हो। जुकाम हो जाता है फिर शिकंजी पीते हो क्या? परहेज किया ना आपने? जुकाम होने वाला शिकंजी पीता है क्या? नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? जुकाम हो रहा है शरीर के लिए। ऐसे ही आत्मा के लिए त्याग कर दो तो वो महान हो जाता है।
है ना। चलिए मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शहरों में बाघ का, जंगल में नाग का, और करने में त्याग का, होने में नम का, शरीर में दम का, और जीवन में संयम का बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और आपके द्वारा 20 दिन का बाजार का खाना छोड़ने का बड़ा ही महत्व है। क्या बात है, जय हो। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी तीर्थ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं, नाम बताइए। व्यापारियों में मोल का, सामान देने में तोल का, और आने वालों में घाटोल का बड़ा ही महत्व है। मुंगाना। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में मुंगाना का बड़ा ही महत्व है। और पारसोला। चढ़ाने में गोला का, तोलने में तोला का, और आने वालों में पारसोला का बड़ा ही महत्व है। नरवर। पक्षी में पर का, बरात में वर का, और आने वालों में नरवर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। और हो गए। पड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में प्रतापगढ़ का बड़ा ही महत्व है। हो गए। अब जो लोग जहाजपुर में आए, तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, मसालों में खड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में होशंगाबाद और अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में उदयपुर, छतरपुर, कानपुर का बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में बंगाल का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बट का, हरिद्वार में मठ का, और आने वालों में मेरठ का बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में प्यार का, महिलाओं में हार का, और आने वालों में धार का बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। होने में नम का, शरीर में दम का, और आने वालों में असम का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में बंगाई गांव का बड़ा ही महत्व है। बैठने में दरी का, भोजन में बरी का, और आने वालों में सीकरी का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। सतियों में अनंग सरा का, गाँव में दरा का, और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। जावरा का बड़ा ही महत्व है। शरीर में पांव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। बोलिए चौबीसों भगवान की। आज मैं आपको ही गुरु की महिमा के ऊपर एक दृष्टांत देती हूँ। एक पंडित जी थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धन कमाया था, तो उसने सोचा है कि मैं घर में रखूँगा तो ये मेरे से खर्च हो जाएगा, तो उसने किसी व्यापारी के पास उस अपने धन को लेके गया। व्यापारी से कहने लगा कि भैया, मतलब सभी ईमानदार थे, राजा बहुत ईमानदार था, सभी वहाँ की प्रजा बहुत अच्छी थी, तो उसने उसे कहा भैया ये धन मैंने जमा किया है, ये आप मेरा रख लो, मैं अपनी बेटी की शादी के टाइम ले लूँगा। तो उसने कहा उनके ठीक है, अब दो जने हैं, तीसरा कोई नहीं है। अब वो धीरे धीरे टाइम हुआ, उसकी बेटी की शादी का टाइम आया, तो उसने कहा कि चलो धन तो है ही, तो वो गया उसके पास व्यापारी के, कहने लगा उनके भैया मेरा पैसा दे दो। अब व्यापारी कहने लगे कैसा पैसा, कौन सा पैसा। अब वो परेशान। पंडित जी कहने लगे मैंने एक एक पैसा करके जोड़ा था,
और इसलिए कि भाई मेरे टाइम पे काम आएगा, अब मैं क्या करूं। अब दो के सिवा तीसरा कोई नहीं था, कोई गवाह नहीं, कोई उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं कि वो किसी को बता सके। अब उसने सोचा कि एक राजा ही है, अब तो राजा के पास जाके फरियाद करूं। अब वो राजा जो था वो मतलब बहुत प्रिय शासन चला रहा था, बहुत अच्छा राजा था। तो उसने राजा से जाके कहा, राजा जी ऐसे ऐसे उस व्यापारी ने मेरे साथ में धोखा किया है। तो राजा ने कहा, बिल्कुल सही है, तुम सही बोल रहे हो, मैं तुम्हारा न्याय जब ही करूँगा जब तुम कहो कि मैं सही हूँ। तो उसने कहा, हाँ महाराज जी, राजा मैं बिल्कुल सही हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो जैसे राजा सवारी पे निकलता था, अपनी सवारी पे रथ पे निकलता था, तो सब उसकी आरती उतारते थे, मतलब उसकी बहुत मान्यता थी, बहुत अच्छा राज्य शासन चला रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उस व्यापारी की दुकान पर तुम खड़े हो जाना, बस तुम्हारा इतना काम है और कुछ भी नहीं, आगे मैं देख लूँगा। उसने कहा, ठीक है। तो वो व्यापारी के पास जाके खड़ा हो गया दुकान पे उसकी। तो वो राजा की सवारी निकली, सब ने आरती की, उस व्यापारी ने भी आरती की। अब उस जब व्यापारी ने आरती की तो राजा जो थे उस पंडित जी से बोले कि पंडित जी आप यहाँ कैसे खड़े हो, आओ बैठो रथ में। अब उस पंडित जी को रथ में बैठा लिया। अब तो उस व्यापारी की जान में बीत गई, क्या बीती होगी सोच सकते हो आप, कल्पना कर सकते हो कि क्या बीती होगी उसके ऊपर। तो वो तो घबरा गया कि अब तो मैं मारा गया, ये पंडित जी तो राजा के कोई खास है। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।